अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन समाअत के बाद फैसला जो है वो आ चुका है और दो रुकनी बेंच जस्टिस एजाज़ुल अहसन और जस्टिस आयशा उन्होंने समाअत की दो रुकनी बेंच के सामने लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और जो केस था इमरान खान साहब के ऊपर अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर केस और एफआईआर दर्ज करवाई गई थी अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की तरफ से, जिसमें पीटीआई की वकला डिविजनल बैंक क्वेटा में पेश हुए थे और वहां से रिलीफ मांगने की इस्तदा की थी जबकि उनको रिलीफ नहीं दिया गया था और उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उसके खिलाफ लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर रखी थी और इस दरख्वास्त के मुताबिक कहा गया था कि ये मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जाली बनाया गया है और इसमें हुक्म इम्तना जारी किया जाए ताकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जा सके और जो जमानत है वो भी दी जाए कबल अज गिरफ्तारी ताकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके क्वेटा ले जाने का जो प्लान है वो कामयाब ना हो सके। अब हल्का अहबाब में ये बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केस है ये उनके गले की हड्डी बन सकता है और भुट्टो का भी एक इसी किस्म का केस था जिसमें जो है वो भुट्टो को भी सजा दी गई थी जिसके बाद पाकिस्तान का जो पूरा मंजरनामा था वो तब्दील होकर रह गया था। अब इसी तरह से ये केस भी आज का जो था वो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत दो रुकनी बेंच जस्टिस आयशा और जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने की, एक तो ये कहना गलत ना होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये जो बेंच बनाया गया था सबसे पहले ये ही कमजोर तरीन बेंच था और इसमें वाजे तौर पर यह चीज हमें नजर आ रही है कि इमरान खान को किसी सूरत भी जो कोई भी किसी किस्म का रिलीफ है देना वो मकसद ना था, इसलिए दो रुकनी बेंच बनाया गया जो कि डिविजनल बेंच के फैसले को कलदम करार देने की अहलियत ही नहीं रखता। इस दो रुकनी बेंच का अगर कोई फैसला आ भी जाता है इमरान खान साहब के हक में तो उस फैसले को जो डिविजनल बेंच का फैसला तो उसको ओवर रूल करना मुमकिन ना होता। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तीन रुकनी बेंच अगर फैसला देता तो फिर डिविजनल बेंच के फैसले को पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जा सकता था और इमरान खान साहब को जमानत भी दी जा सकती थी। अब दूसरी तरफ आज की जो समाअत हुई उसका थोड़ा सा अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस एजाज़ुल अहसन और जस्टिस आयशा ने वजीर आजम जो सबका वजीर आजम हैं उनके केस को लतीफ़ खोसा साहब ने उनके सामने प्रेजेंट किया तो चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने जैसे वकील अब्दुल रहमान शर के कत्ल का मुकदमा पढ़कर सुनाया और वजीर आजम के मुआवने खसूसी के इल्जामात का बताया जो उस दिन अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इल्जामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए थे तो जस्टिस आयशा मलक ने कहा कि टीवी चैनल्स को छोड़ें, उन इल्जामात को छोड़ें, हमें एफआईआर के मुतालिक बताएं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अब्दुल रज़ाक शर के बेटे ने इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है जबकि दहशत गर्दी की दफात नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस आयशा ने कहा कि अगर दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई है तो कौन शामिल कर सकता है, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि दहशत गर्दी की जो दफात हैं वो SHO की सवाबदीद होती है और वो तहकीक के बाद इन दफात को शामिल करता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल था कि क्या आपने मतलूबा फोरम से रुजू किया या नहीं किया, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से वो वकील थे तो ये कहना उनका मकसूद था कि इमरान खान साहब को नहीं पता कि उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमात कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा साहब ने कहा कि आपके ये जो इस वक्त दलायल हैं वो आप अपने ही खिलाफ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब का यह भी कहना था कि दफात जो दहशतगर्दी की हैं वो आयद नहीं की जा सकती। इस पर जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने मुखालिफ जो दलाइल दे रहे हैं इसका आपको ही नुकसान हो सकता है और आपको मुतालिका फोरम पर जाकर, जो मुतालिका फोरम है वो ATC की अदालत है, जो लोकल अदालत है, वहाँ पर दहशतगर्दी की दफात अगर लगाई जाती है SHO की तरफ से तो फरीक को चाहिए, मुलजिम को चाहिए कि वो मकामी अदालत में जाकर, ट्रायल कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करें। अगर वहाँ पर उसकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर वो वहां के हाई कोर्ट में जाता है, वहां के हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आता है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आज बेंच बनाया गया था वो भी ये अहलियत नहीं रखता था। कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं और तमाम जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि वो कानूनी अहलियत ही नहीं रखता था अगर ये फैसला इमरान खान के हक में भी देता, कोई रिलीफ देते, कोई जमानत देते या डिविजनल बैंक क्वेटा का जो फैसला था उसका हुक्म उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर भी देते तो उसकी कोई अहलियत जो है वो नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फोरम से रुजू करने का कहा है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना और अबूरी जमानत देने की इस्तदा जो
इमरान खान साहब की आज की सुप्रीम कोर्ट में थी अब्दुल रजाक शर मुकदमा में कत्ल केस में वो मुस्तरद कर दिया और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। उसके साथ साथ सरकारी वकील से तमाम मुकदमे की तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं और अदालत ने एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी, यानी कि एक नॉर्मल सी कार्रवाई करके उन्होंने इस को पसपुश्त एक किस्म का डाल दिया है। और इसमें अहम जरूरी बात फिर से वही आपके साथ शेयर करेंगे कि ये बेंच बनाने का मकसद हमें समझ नहीं आता। अगर ये बेंच बनाने का मकसद रिलीफ देना था, इंसाफ फराहम करना था, तो कम से कम ऐसा मजबूत बेंच बनाना चाहिए था जो डिविजनल बेंच के फैसले को कम से कम चैलेंज कर सके, कम से कम उसको कलदम करार दे सके और डिविजनल बेंच में ही दोबारा वापस केस जो है वापस ट्रायल कोर्ट में और इमरान खान के वकला को उधर दोबारा रुजू करना पड़ेगा। और आज ही जो जमानत थी वो भी उसकी मुद्दत भी खत्म हो रही है, तो जो गिरफ्तारी की खबरें हैं वो इस वक्त तकवीयत पकड़ती जा रही है। तमाम हकायक को हालात को अगर मद्देनजर रखें तो इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो खबरें हैं उनमें सदाकत नजर आ रही है। और इस सूरत में अगर इस केस के अंदर इमरान खान को किसी सूरत भी गिरफ्तार किया जाएगा, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उनको वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर ले जाकर उनको उनके ऊपर जो मुकदमात हैं या जो स्पेशली ये मुकदमा अब्दुल रजाक शर वाला है वो वहां पर चलाया जाएगा। तो ये खबरें बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर कुछ ना कुछ पसे पर्दा ऐसा हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब को टारगेट करना मकसूद है। हालांकि वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो मौजूदा मुकदमा कत्ल का है इसमें कोई ऐसे शवाहद बड़े मौजूद नहीं है जिसमें इमरान खान साहब कातिल या उस मुकदमे में शामिल जो है वो साबित होते हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान कमर मेकन को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।